नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जनवरी माघ सूर्य रविवार की रात सोने से पहले थोड़े से गुड़ का वह उपाय, जिसने भी कर लिया वो हो जाएगा धनवान। उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी धन की बरसात। गुड़ के वो उपाय जो केवल रविवार के दिन किए जाते हैं। यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, यदि आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको जा रहे हैं, तो न केवल अपने जीवन में हर तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा समझा आता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बन जाती है। ऐसी ही चीज में से एक चीज है गुड़। आपको बता दूं दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो समझा जाता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है गुड़ के कुछ आसान उपाय। और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव करते हैं, बल्कि पूरे घर धन और धान से संपन्न बनाते हैं। आप जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ये ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये केवल खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, दोस्तों मानिए, इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए, न केवल आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझ आता है कि अकेले आप केवल सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने ये बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह हर एक भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है, जल में क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए। वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए, तो ना आपके जीवन हर दो आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका केवल 5-6 मिनट के दिन समाप्त होगा, और इन उपायों आने के पश्चात आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे।
इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है, शनि दोष। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के पश्चात आप खुद की जीवन में जो भी आपका दोष है वह समाप्त हो जाएगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगी। जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है, प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, दो चार गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल के पश्चात उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं, थोड़ी सी कुमकुम है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग लगाते हैं उसमें कुमकुम का होता है, पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है कुमकुम। थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धो लिया, सफेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपनी घर की छत पर आ जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने चावल है ये आपको सूर्यदेव जी को चढ़ाना है। अब सूर्यदेव जी को आप ये अर्पित करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और AUM सूर्य नमक का जाप करते रहना है। जितनी पानी या उपाय आप 11 रविवार कर, तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, समाप्त तो हो। ये एक महा जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के काम महा उपाय हैं। तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय। आप ये रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जॉब नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए 11 रविवार आपको ये उपाय है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनशा ही जॉब आपको मिल, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब, कुल मिलाकर आपके आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है? आप प्रत्येक रविवार को उससे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे चावल गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आपको चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के पश्चात 100 ग्राम 500 ग्राम जैसी आपकी हो थोड़ा सा गुड़ ले किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय के पश्चात सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो में जो आपकी बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों इसको अपने जीवन में हर तरह के दोष से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वह है बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं, आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता। तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके पश्चात निकलेगा। अब मान आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की रेली रख करके अपने दाएं सेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। मान कि नहीं आपके पास पानी, बैग में रख लीजिएगा, अपने साथ जोड़ ऐसा गुड़ समझा जाता है। गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो यानी दोष बाधाएं होता है वो गुड़ सुख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो 5 रविवार ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका सौभाग्य ये उपाय है और ये आप घर के बुजुर्ग भी ये उपाय जानते। देखिए
एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसी हमारी माँ नहीं कही गई है दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह है। तो यदि आप लगातार 5 रविवार अपने घर 11 रोटी बनवाकर कि उस पे थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर कि किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, दोस्तों आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवता के साथ महादेव माता लक्ष्मी जी माता गंगा जी का मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ही साधारण उपाय है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए, देखिए लोगों को रविवार का दिन क्योंकि सूर्यदेव जी का दिन होता है, इस दिन यदि आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की हो सके उसमें थोड़ा सा रख करके दान कर दीजिए, कंबल हो, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें, तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा हासिल होती है और दोस्तों आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची है वो भी फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके में जो परेशानियां हो और दिक्कत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि जॉब और मैं बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, ऐसा से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। मैं सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं, ऐसे लोग बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए एक दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए, ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं, इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्त में देने से खास लाभ मिलता है। रविवार के दिन गुड़ गेहूं मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें, ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें। हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।